एक गिलास पानी दे दो। हाँ दे रहे हैं, पर थोड़ा दूर खड़ी होकर लो। खाना दे दो। हाँ दे रहे हैं, प्लेट बाहर रखो नीचे। ऊपर मत बैठो, बेडशीट गंदी हो जाएगी, नीचे बैठो। और हाँ सुबह जल्दी उठ जाना, सबके उठने से पहले जल्दी नहाकर अपने कमरे में चली जाना। और सुनो, किसी चीज के हाथ मत लगाना, तुम अभी 4-5 दिन के लिए अशुद्ध और अपवित्र हो। मैंने ये सब सुन लिया और चुपचाप जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया। ये सब सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ। बाद में इसी दर्द के साथ एक और दर्द इस हर महीने होने वाली महावारी का हुआ, जो सहन नहीं होता, मानो शरीर के अंदर से जान निकल जाती है। मैं दूर खड़ी अचरज और जिज्ञासा में ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है। द नगरी की खास पेशकश वुमनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे समाज में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं। जो इन टॉपिक्स के बारे में बात करता है उन्हें खराब चरित्र का माना जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती है। जैसे कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, जिस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीरियड्स ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इससे बाहर जाने से पहले हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे जो साथी मौजूद है उनसे बात करते हैं कि उनके इस पर क्या विचार है और वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लवी से। हेलो पल्लवी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस महावारी को लेकर आपके क्या विचार है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की प्रथाएं चल रही है। हाय, मुझे लगता है महावारी नाम ही जो है ना वो बहुत गलत साउंड करता है, बिकॉज महावारी कोई महावारी बीमारी की तरह साउंड करता है। सो ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग। और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कि पीरियड्स, अब मुझे लगता है अगर मुझे पीरियड्स नहीं होता तो मुझे टेंशन होने लगता है, बिकॉज मुझे टेंशन इस बात का होने लगता है कि यार ये एक साइकिल है, अगर ये मेरा ऊपर नीचे हो रहा है मुझे टेंशन नहीं है कि ओ मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, मेरा बीपी हाई हो जाएगा या फिर मुझे पिंपल्स हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी फ्रीकिंग अबाउट दैट कि पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पीसीओडी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, पीसीओएस जैसा हो सकता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। एवरीवन को कंफर्टेबल होना चाहिए इसके साथ। स्टिल कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी लोग मतलब इसको एक बीमारी से भी ज़्यादा उस तरह से ट्रीट करते हैं कि नहीं पीरियड्स है, अलग रहो, हमारे साथ मत बैठो। सो मुझे लगता है ये ओल्ड जनरेशन है थी, मैं नाम नहीं ले सकती, बट द थिंग इज दैट मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लेती हूँ। सी माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओपन अबाउट दैट। मेरे दादा हमेशा कहते थे कि ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल कि अच्छा पीरियड्स है, बट मेरी मम्मी नहीं होती थी। मम्मी नहीं होती थी, why? Because I'm just talking about that ना कि अच्छा पीरियड्स है, मैं नहीं कर रही ये काम। शी इज टॉकिंग मी कि अच्छा बड़े पापा को खाना पकड़ा दो या समथिंग, कुछ ऐसा कर दो, मैं नहीं कर रही, आई एम ऑन माई पीरियड्स, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। एंड माई मदर इज लाइक कि वॉट क्या, आई कांट हियर यू। मैं कहा मैं दोबारा बोलूँ इसे चिल्ला के? शी सेड नो नो नो, ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल हियर, इट्स ओके, आई डोंट अबाउट दैट, सॉरी दिस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड टू बी, बट या। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में माई मदर इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ऑल दो शी इज़ फ्रॉम अ लॉयर। बट सारी फैमिलीज ऐसी नहीं होती ना, मतलब जस्ट बिकॉज मेंटेलिटी मैटर करती है। बट हाँ, देयर इज़ अ वन गुड पार्ट इन माई फैमिली, माई मदर इज़ गुड इन दिस, कि हमारे यहाँ पे ना पूजा या बिस्तर अलग रखना या किचन में नहीं जाना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड। बस वो एक पीरियड्स का टैबू है कि अच्छा इसके बारे में बात क्यों करनी है, बट लेटर जब उनको समझ में आया ना कि यार ये तो बेशरम है और ये ऐसा करेगी दे विल डू इट। सो इसके लिए मुझे लगता है कि ना इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लड़कियों को खुद इस पर बात करनी होगी, हमें आगे अपने पेरेंट्स को आके बताना होगा, इस पर बात करनी होगी, खुलकर बात करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं होगी, सब लोग नहीं करते हैं, अगर हम शुरू करेंगे ना हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। इफ़ वी आर फिंगर आउट कि ये नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा, उसको मत करने दो, हम स्टार्टिंग खुद से करो, खुद से करो स्टार्टिंग, अपनी फैमिली से करो। स्टिल मैं अभी तक देखती हूँ कि मेरी वन ऑफ कज़न है, उनकी फैमिली में अलाउ नहीं है अभी तक ऐसा कि पानी पीना है तो आपको कोई और पकड़ाएगा। पीरियड्स में 3 days आर नॉट अलाउड टू बी ड्रिंकिंग वाटर, कि आप उसको छू लोगे, मटका मटके को नहीं छू सकते, दिस काइंड ऑफ थिंग, अचार को नहीं छू सकते, अचार खराब हो जाता है। मैं अचार मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ, सम ऑफ अनोइंग थिंग्स कि मैं जानबूझ के करती हूँ कि अच्छा खराब हो रहा है, स्टिल आई विल चेक आउट दैट कि अच्छा ये हुआ नहीं ये खराब,
ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज अ साइंस कि अगर वो कुछ खराब हो रहा है तो आप उसमें गलत चम्मच डाल रहे हो या अनाज की कोई चीज डाल रहे हो, उससे होता है। बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स या उनके जो एल्डर पेरेंट्स थे उनको ये चीजें नहीं पता थी, वो तब तक का टैबू था। बट अभी जो जिस जनरेशन में है, आई थिंक दादी सास नानी सास इफ आई बी थ्रू आउट उसके थ्रू, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ही वो टैबू है। यंग जनरेशन समझने लग गई है, इवन बॉयफ्रेंड्स आर वेरी ओपन अबाउट दैट, दे अंडरस्टैंड दैट कि अच्छा बहुत कंफर्टेबल होते हैं अगर उनसे बात भी की जाए तो, और ऑल्सो दे आर कंफर्टेबल कि वो अपने पार्टनर को भी कंफर्टेबल कराएंगे कि पता है उनको मीम्स बन रहे हैं कि आज मेरी एवरीबॉडी नोज आज मेरी मंदी पीरियड्स में आज इसका मूड ऑफ है, सो दे विल चॉकलेट एंड पैम्पर करना और ये सब एंड ऑल। बट पहले नहीं होता था, आवर पेरेंट्स मतलब वो भी उससे गुजरे, उन्हें ही ऐसी चीजें नहीं मिलती थी, शायद टाइम अलग था, चीजें अलग थी, लेकिन अब स्टिल समय बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन स्टिल कुछ लोग वहीं खड़े हैं। दे लव दैट, माई मदर सेट दैट कि माई मदर एंड वन ऑफ हर फ्रेंड सेट कि हम लोग इसको इन्जॉय करते थे, बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता था, हम लोगों से काम करवाया जाता था, देर इज़ नो हाउस हेल्प्स है ना उस ज़माने में, सो हम लोगों को ये ऐसा लगता था कि अच्छा काम नहीं करना बहुत ही बढ़िया बात है, हमें उस वक्त ही बुरा नहीं लगता था बिकॉज हमें काम नहीं करना है, 3 दिन तक आपको सिर्फ अपने शेल में रहना है एंड यू शुड समवेयर, आपको स्लीप करना है और आप किसी से बात नहीं करोगे, बोले इससे बढ़िया जन्नत नहीं होती थी, ठीक है जन्नत तो नहीं होती थी क्योंकि रेस्ट भी मिल जाता था, बट राइट नाउ वी हैव अ हेल्पर्स, वी हैव ऑल्सो अभी हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी पार्टनर है हमारा, दोनों इक्वली काम करते हैं, तो फिर मुझे लगता है ये टैबू मतलब अभी सिर्फ एक कुछ हद तक वहाँ रह गया है जहाँ लोगों को नो डिस्क्रिमिनेशन है, खत्म हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत जहाँ बचा है वो थोड़ा गाँव में रह गया है या कुछ ऐसी जगहों पे रह गया है जहाँ पर लोग, हाँ क्योंकि आज भी जब अगर हम गांव की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है जब पीरियड्स आते हैं लेडीज को तो उन्हें अलग कमरे में बंद कर देते हैं या फिर अलग रहो जल्दी उठ जाना बेडशीट वगैरह, इन सब को लेकर आज भी स्टिल कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीजें चलती रहती है गाँव की बात करें तो। की मैं बात करूंगी, गांव में एक दूरदर्शन का एक प्रोग्राम होता था कल्याणी नाम से, काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, सभी जनता ने देखा होगा उसे, कल्याणी में एक बताया जाता था, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक मैडम आती थी वो बताती थी बात करती थी, उसमें लड़कियां उठ के बात ही नहीं करती थी, सिर्फ टीचर्स जो साइंस के टीचर्स हैं वो उठ के अपना बताते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है समथिंग, बट लड़कियां उठ के बात नहीं करती थी। बट अगर आप आज किसी कॉलेज या स्कूल में जाओगे तो टैम्पोन्स की बात हो रही है कि आप ये यूज कीजिए, सैनिटरी पैड यूज मत कीजिए, बिल्कुल सैनिटरी पैड्स का इवन एडवर्टाइज होता है। हाँ अरे कई लोगों में मैंने देखा है कि वो टीवी का चैनल चेंज करेंगे, लाइक कि एड नहीं देखना है या सिर्फ ये एड स्किप करना है आपको, तो दे साइड की नहीं हमें ये एड नहीं देखना है, अदर एड वी विल सी दैट, मतलब क्यों इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या इशू है, इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो, अभी तो मेंस आर यूजिंग फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो, कि क्या होता है आपको कुछ तरह की इस तरह की बीमारी है जो आपको मतलब अगर पीरियड सक करने के लिए नहीं है ना वो, और अदर बीमारी में भी आप पैड्स यूज ले रहे हैं, ठीक है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम डाइपर्स यूज लेते हैं, तो डाइपर और पैड में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, राइट बिल्कुल फर्क नहीं है, लेकिन लोगों ने डायपर और सैनिटरी पैड को इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि नहीं पैड पीरियड्स, हाँ ये क्या है। इवन तो आई नो दैट सम पर्सन्स जिनको मैं जानती हूँ वो अपने बच्चे को कंफर्टेबली डायपर पहनाने के लिए रेडी है, मदर वॉज नॉट रेडी कि मैं अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाऊंगी बिकॉज रैशेज हो जाते हैं, है ना, तो एंड ही वॉज रेडी फॉर दैट, नहीं नहीं कार में ट्रेवल कर रहे हैं तुम इसे डायपर पहना लो, वाई बिकॉज मैन आर सिक ऑफ दैट कि उनको लग रहा है मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी, मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा पे एंड ऑल, दो बच्चे को डायपर की जरूरत भी नहीं है बिकॉज अब आपको लग रहा है कि आर यू कंफर्टेबल क्योंकि आपको उतरना पड़ेगा गाड़ी से, तो वो आप नहीं करना चाह रहे हो। बट द थिंग इज दैट वेन एवर आप उनसे पीरियड्स की बात करो, आई विल आस्क हिम कि आर यू अवेयर ऑफ दैट कि शी इज ऑन हर पीरियड्स और तुम जिस स्पीड में गाड़ी चला रहे हो गड्ढे भी आ रहे हैं, शी इज अनकंफर्टेबल ऑल्सो, वन ऑफ सेड मैन की पेट्रोल पंप आ रहा है उस नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे रोकते हैं, आई थिंक उससे पहले एक होटल गया था वॉशरूम के लिए, सो शी सेड कि आई जस्ट यूज इट दैट, ही सेड कि नहीं नहीं वॉशरूम तो आगे पेट्रोल पंप पे भी है, सो सम मेन्स आर एजुकेटेड सम आर नॉट, मतलब वो एजुकेटेड है या नहीं मुझे नहीं पता, दे हैव वाइफ उनका बच्चा भी है एक अभी, तो मुझे उस वाइफ पे डाउट था कि वाई यू आर नॉट अवेयर, मतलब आपने उसे बताया क्यों नहीं ये चीज़ ना कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी पेट्रोल पंप के उस पे जाने के लिए, राइट मेरे को जाना है किसी होटल के लू में, राइट बिकॉज मैं हाइजीन को मैटर करती हूँ, बट बोथ आर नॉट टॉकिंग दिस मैटर पे वो बात नहीं करें, बच्चे के डाइपर पे वो जरूर बात करें बिकॉज द सेम थिंग है बच्चे का डाइपर, सेम थिंग है डाइपर भी हाइजीन है सैनिटरी पैड भी हाइजीन है, बट स्टिल आप पैड को इग्नोर कर रहे हो और डाइपर पे फोकस करके बात कर रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी और को फिंगर आउट नहीं करती, आई जस्ट ब्लेम टू माई सेल्फ, कोई भी गड़बड़ है ना अगर हम में हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है सो उसका ब्लेम हम किसी मैन को करें उससे पहले हम खुद को कर लेंगे, हमने उसे नहीं बताया
राइट, उसकी मदर तो उसे नहीं बता पाएंगी बिकॉज शी इज नॉट अवेयर फॉर दैट. बट अगर हम अब उसकी लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर, इफ वी आर नॉट टॉकिंग, एज ए फ्रेंड भी, तो दैट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली एजुकेशन वाइज नहीं मिला, समझ में नहीं आया, दैट्स ओके. अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी वो आपको, मतलब आपको ये भी तो बताना होता है ना, द वैलेंटाइन डे विल कम दैट, तो आप बताते हो ना अपनी चॉइस. हाँ, आप सारे डेज के बारे में भी तो डिटेल से एक्सप्लेन करते हो ना, तो फिर ये क्यों नहीं. ऑल्सो आप ये भी ध्यान रखते हो कि यार वैलेंटाइन डे आ रहा है, मेरा चॉकलेट डे पे मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मेरे टैडी पे मुझे ये टैडी चाहिए. बहन और दीदी, वॉट एवर द साउंड्स क्रेजी फॉर हर, मुझे लगता है उसे ये भी बता दो कि या दैट इज ऑल्सो एक थिंक होता है और उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए. सो आइदर गिफ्ट्स और वैलेंटाइन डे मनाना इज गुड, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप उसके बारे में भी बात करो अपने बंदे से. उतना कंफर्टेबल होना चाहिए वो. एंड आई जस्ट होप कि आपके इस ओपिनियन से जितने भी लोग हमारे इस स्टोरी को देखेंगे उनको शायद कुछ फ़र्क पड़े, कुछ वो महसूस करें और इस बारे में जो है बात खुलकर कर सके. इफ यू वॉन्ट कि मैं अलग से पानी लूँ ना, आई रिमेंबर दैट टाइम मैं मैरिड, एक बंदा था उसने बताया कि मेरे घर में दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स होती है. आई विल बी आस्क ऑनेस्ट, मेरा पहला सवाल ही होता था जब लड़के ढूंढने की प्रोसेस शुरू हुई, तो मैं पूछती थी कि ये पीरियड्स वाला कॉन्सेप्ट है क्या. ही सेड आई डोंट नो. मैं कहा ओके, रेड मार्क, सॉरी हाँ, रेड फ्लैग है ये मेरे लिए, बिकॉज यू डोंट नो दैट कि ये है भी क्या. मैं इट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफाइन करती हूँ, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करती हूँ कि आर यू टॉकिंग अबाउट दैट सम वे, किसी से आपने बात की थी कभी. तो सेड नहीं यार मैंने की नहीं. आई विल आस्क माय सिस्टर. ओके गुड. ही कॉल मी आफ्टर वन आवर एंड ही सेड कि हाँ यार हमारे यहाँ पर है, देयर इज अ रिचुअल कि किचन में. शायद आपकी तरह सब खुलकर बात करे तो शायद इतनी ये जो मेंटालिटी बन गई है लोगों के माइंड में, शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक क्लियर हो जाए. ओके, नहीं करते हो आप, अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पहले, उससे पहले दिन अगर आपका पहली कोई कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, सो आपकी हेल्थ ही होनी चाहिए. एंड पीरियड्स इज ऑल अबाउट दैट हेल्थ. थैंक यू. साक्षी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पीरियड्स को लेकर क्या सोचती है, आपके इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन है. अभी भी ना काफी जगह ऐसे हैं कि पीरियड्स के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, शर्म आती है उन्हें. क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली कि वही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पीरियड्स एक लड़की के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं हो तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसे. तो सबको इस बारे में अच्छे से बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, और अगर हम बात करेंगे, हमें लोगों को बताना चाहिए, इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है. कैसे करोगी जागरूक, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कैसे करोगी जागरूक? बात करूंगी इसके बारे में, उन्हें समझाऊंगी कि ये कोई बीमारी नहीं है या ये कोई शर्म वाली बात नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते. अपने भाइयों या बॉयफ्रेंड या जो भी लड़कों से भी सबको जागरूक करना चाहिए इसके बारे में. ओके, थैंक यू. तो हमारे साथ स्टूडियो में गरिमा भी है. गरिमा, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पीरियड्स को लेकर आज भी स्टिल लोगों की यही मेंटेलिटी है कि हम इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इस पर बात करने से शर्म आती है. कई लोगों को है ना शर्म आती है, मतलब आसपास के उनका एनवायरनमेंट जो होता है, जैसे घर पे है ना पुराने लोग होते हैं तो उनके एनवायरनमेंट के कारण है ना वो बात नहीं कर पाती उस बारे में. और जैसे कोई जैसे मैं हूँ, मेरी बात कर लो, तो मैं ना इजीली नहीं बोल पाती. किस आप क्यों नहीं बोल पाती इजीली? क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग आप ही को करनी चाहिए. हाँ, वही चीज़ है जैसे हमारी मैम ने बताया कि हमें खुद को उस पर बात करनी चाहिए. पर मेरे घर में मेरी दादी है ऐसी मतलब इस मेंटालिटी के, तो मेरी मम्मी इतने नहीं, वो पुरानी जनरेशन से, तो मेरा हो सकता है उनके साथ ज़्यादा बैठना, मतलब ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है, पर फिर भी मैं उनको समझा नहीं पाती. तो मुझे शायद उनको समझाना चाहिए, पहले मैं खुद पे काम करूँगी फिर ही मैं दूसरों को समझा सकती हूँ. ओके, थैंक यू. तो अब हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रियंका मैम. मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज भी 21st सेंचुरी में भी पीरियड्स को लेकर लोगों के मतलब दिमाग में इतने तरह के वहम बने हुए हैं कि पीरियड्स ये है तो इस पर हम बात नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, और शायद इसी की वजह से लड़कियों को कहीं ना कहीं तक टारगेट भी किया जाता है. तो आप क्या कहेगी, आपके इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन है? मेरे को क्या पर्सनल लगता है कि 50-50 का रेशियो है. यहाँ ऐसा नहीं है कि हर फैमिली या हर माँ बाप या हर दादा दादी या हर कोई ऐसा सोचता है कि पीरियड पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट में है. सबकी फैमिली अलग अलग होती है, सबकी मेंटालिटी अलग होती है.
मेरी मदर ने बहुत ओपनली हम सबको समझाया कि भाई ये सब होता है, ये होगा, यू हैव टू कैरी नैपकिन विद यू एवरी टाइम, और ये सब होता है. मेरे ब्रदर को बिठा के समझाया गया कि नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सबको समझना पड़ेगा कभी, क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग, फादर वर्किंग, सब लोग वर्किंग, तो हो सकता है कभी फादर ना हो साथ में, हो सकता है मदर ना हो साथ में. तो हमारे घर में सब समझाया गया कि भाई भाई को भी हेल्प करनी पड़ेगी इस चीज़ में. तो दिस इज़ अ 50-50 रेशो, कि ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ना माइंडसेट और अपब्रिंगिंग का माहौल है, कि आप कैसे अपब्रिंगिंग हो रही है आपके घर के अंदर. जैसे लड़कियों को तो सब बताया जा रहा है, जैसे पहले पल्लवी ने बात करी कि अचार की, लेकिन मेरी मॉम का ये लॉजिक है, क्योंकि बोला जाता है कि हाथ धोकर के अचार निकालो, तो वो क्या करते, जल्दी से हाथ धोते, अचार निकालते, गीला पानी पड़ा, अचार खराब. दिस इज अ लॉजिक. पुराने टाइम में क्या गया कि किचन में मत घुसने दो, तो ये इससे आज भी है कहीं ना कहीं, ऐसे कनेक्टेड है कि किचन में इसलिए मत घुसने दो कि उस पुराने समय में सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे उनको. बट स्टिल आज तो सारी फैसिलिटीज है स्टिल, बट स्टिल फिर भी बहुत सारी फैमिलीज बोलती है किचन में नहीं जाना, अचार खराब हो जाएगा, पापड़ बन रहे होते हैं तो नहीं, वहाँ भी नहीं जाना, क्योंकि इनसे भी मतलब बोला जाता है कि इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट होगा. मैं वही समझा रही हूँ कि दिस इज अ अपब्रिंगिंग मैटर. आप किस तरह से, किस माहौल में बढ़ रहे हो, किस माहौल में पल रहे हो, और आप उसी रूढ़िवादिता को चलाए जा रहे हो. क्योंकि मैंने तो अचार भी निकाला है, मैंने अचार डाला भी है, मैं बहुत अच्छा अचार डालती हूँ, तो मैं मैं ये नहीं कह सकती आपको कि इससे खराब हो जाता है, क्योंकि मैं तो सारे काम करती हूँ, आई एम अ मदर. अब अगर मेरी मदर लॉ बीमार है, मैं तो आप ये कहना चाह रही कि ये सिर्फ एक माइंडसेट बनाती है. माइंडसेट, पीरियड इज नथिंग, जुकाम खांसी होता है, पीरियड होता है, दैट इज अच्छा है पीरियड हो रहे हैं. अगर पीरियड नहीं होते हैं तो आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपको कोई आगे जाकर कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, फैट बढ़ सकता है आपको, उससे थायराइड का इशू हो सकता है कि इस वजह से. तो वो एक इंडिकेशन होता है, पीरियड नहीं होना सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होता. और सबसे बड़ी बात है, आप टॉकिंग अबाउट पीरियड, बुरा है बुरा है बुरा है, पीरियड रुकने से तो बच्चा होता है. दिस इज़ अ वेरी कनेक्टिंग थिंग, तो यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग. कि मतलब ये बहुत एक बड़ी अजीब बात है कि लोग आज भी सोचते हो कि मैंने मेरे घर में नहीं देखी. तो जब कोई मुझसे बोलता है, मेरी मदर इन लॉ बहुत मॉडर्न है, शी वॉज अ वर्किंग वुमेन, तो उन्होंने कभी मुझको नहीं रोका कि प्रियंका नहीं तुम्हारे पीरियड चल रहे तुम्हें मत करो. तो यहाँ एक ये भी क्वेश्चन हो जाता है ना, कि जो लोग वर्किंग है वो समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, कुछ महिलाएं जो घर में रहती हैं वो भी समझती हैं, लेकिन हाँ मतलब वही बात आ गई ना कि कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझकर भी समझना नहीं पा रहे हैं, समझना भी नहीं चाह रहे हैं. इसके लिए हमें, जैसे हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन चलती है, लेकिन घर के अंदर इस पर भी कोई खुलकर बात नहीं करता है. ऐसे एक पीरियड एजुकेशन है जो देनी चाहिए, घर में बात करनी चाहिए, पता करना चाहिए, लड़कों को बताना चाहिए कि भाई ये हो सकता है. क्योंकि मैंने कई बार देखा कि मैं कोएड में पढ़ी हुई हूँ, मेरे एक दोस्त थे जो कोएड में नहीं पढ़े, वो बॉयज़ स्कूल में पढ़े, एंड मैंने ऐसे ही मेरा विस्पर बैग से निकाल के उसको दे दिया, मैं कही ये ले, तो उसने क्या करा, अरे पागल है क्या, अरे ये क्या कर रही है, मतलब रियली. और बस लाइक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करते हो तुम यार, कम ऑन, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बीवी बीवी है, तुम क्यों कर रहे हो. लेकिन वो भी पीरियड्स आते होंगे, सभी को आते हैं, कि वो चीज़ उसको दे रहे हो तो इट्स अ पाप, ये पाप हो गया बहुत बड़ा, ये नहीं होना चाहिए. आपको अपब्रिंगिंग बढ़ानी चाहिए अपनी, आप दिस इज ऑल सेट ऑफ माइंड, ये सब कुछ मानसिक तौर पर संतुलित होना चाहिए कि आप, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और वी आर ब्लैक, खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरी जान भी पैदा करते हैं, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें चीज़ होती है. आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, यू नो, मैंने मेरी लाइफ में कभी फेस भी नहीं करा, मैं आपको रियल बताऊं, क्योंकि मेरे घर में मैंने फेस नहीं करा. बहुत ओपन माइंड था मेरे घर के अंदर, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग, तो अब चाहे कोई भी मान लो, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे ताऊ ताई, चाचा जी, मौसी, मामा, सब लोग बहुत ओपन माइंडेड रहे हैं. तो मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी, लेकिन मैं कईयों को देखती तो मुझे बड़ा ही उन पर वो पुअर फील होता है कि यार ये एक्चुअली ये झेल रही हैं, क्या कैसे झेल रहे होंगे. फ्रेंड के ससुराल के अंदर आप घी पर हाथ नहीं लगा सकते पीरियड में, लेकिन ऐसा क्यों अब पता नहीं, पर आप सारा काम कर सकते हो. अरे पीरियड का मतलब पुराने जमाने में ये था कि सैनिटरी पैड नहीं होते थे, रेस्ट करने के लिए उनको आराम दिया जाता था, लेकिन आपने उसको कनेक्ट कैसे कर दिया, घी दही और दूध के हाथ मत लगाना, बाकी सारा काम करो. अरे यू हैव टू, मतलब घी दही और दूध पर इफेक्ट होगा और बाकी सारे कामों पर इफेक्ट नहीं होगा. पूजा कर रहे हो आप तो इफेक्ट नहीं होगा, आप कपड़े धो रहे हो तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके घी, दूध और दही पे हाथ लगाने से वो तीनों चीज़ें खराब हो जाएंगी. तो मैंने ये सिनेरियो भी देखा लोगों का, तो बस लाइक हाँ यार ये होता है क्या, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है. मैं उससे पूछा कि ये क्योंकि वो US में रह रही है आज, लेकिन तो ये तो एक पॉइंट अलग हो गया कि आप US में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी मेंटालिटी भी सारी चीज़ें उसी हिसाब से होगी. देखा, पूछा तो उसे, बोला झेलना पड़ता है यार. अब क्यों झेलना पड़ रहा है, टॉक अबाउट इट, बट कोई बात नहीं करना चाहता. This is the issue. तो आपने देखा कि हमने कहीं बाहर जाने से पहले अपने ही स्टूडियो में, न्यूज रूम में जो साथी मौजूद थे उनसे बात की. सबके अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग विचार थे. किसी ने कहा कि सिर्फ मेंटालिटी का फर्क होता है, किसी ने कहा कि नहीं ये अपब्रिंगिंग को लेकर भी इस पर जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं.
लेकिन फिर भी मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि पीरियड्स बहुत नॉर्मल चीज है, कोई बीमारी नहीं है, इस पर खुलकर बात करें और खुलकर ही सबको बताएं, क्योंकि इस पर खुलकर बात नहीं करने से लोगों के और माइंडसेट्स होंगे, लोगों के दिमाग में और गलतफहमियां जो है क्रिएट होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि हमारी इस स्टोरी से आप लोगों के दिमाग में जो भी पीरियड्स को लेकर जो गलत कन्फ्यूजन्स थे, जो भी गलत वहम और ये सब भ्रम बने हुए थे, वो सब दूर हो गए होंगे। महिलाओं का मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, रसोई घर में खाना नहीं बनाना, अपवित्र कहे या अशुद्ध, पर ये सारी बातें एक लड़की को उन 3 या 4 दिनों में सुननी और सहन करनी पड़ती है। लेकिन अब समय बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन समय बदलने के साथ कुछ लोगों की सोच आज भी नहीं बदली। आज भी कुछ लोग वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। खैर, शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन शुरुआत को खत्म हर कोई नहीं करता है। और वहीं कुछ लोग अपनी सोच को जबरदस्ती महिलाओं पर थोप देते हैं, और उसी सोच की वजह से आज भी महिलाओं को पीरियड्स के समय अपवित्र माना जाता है। उनके शरीर से रीसने वाला खून अपवित्र होता है, इसीलिए पीरियड्स के समय उन्हें घर, मंदिर, पूजा घर और हर पावन चीज से दूर रखा जाता है। लेकिन आज भी कई बार यकीन नहीं होता कि हमारे देश के कई राज्य में आज भी इस तरह की प्रथाएं चल रही है, जहां एक तरफ महिलाएं हर क्षेत्र में इतिहास रच रही है, जहां महिलाएं हर मुश्किल का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ रही है और अपना नाम रोशन कर रही है। फिर महिलाओं की इस नेचुरल महावारी को लेकर आखिर क्यों महिलाओं के साथ इतना भेदभाव किया जाता है, आखिर क्यों? हाल ही में ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले कर्नाटक के तुमकुरु जिले के एक गांव से सामने आया, जहां 3 महिलाओं को महावारी की वजह से गांव से दूर एक कमरे में बंद कर दिया गया। तीनों महिलाएं गोला समुदाय से है। समुदाय का मानना है कि महावारी महिलाएं अशुभ होती है, इसीलिए उन्हें गांव से दूर रखा जाता है। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि महावारी तो हर महिला को होती है, इस दौर से तो हर महिला गुजरती है, तो क्या आप हर महिला को महावारी के समय गांव से दूर रखेंगे? मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाने के बावजूद भी तुमकुरु जिले में गोला समुदाय अभी भी महावारी के दौरान महिलाओं को अलग थलग रखने के अंधविश्वास को मानता है। लेकिन बाद में सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सभी तहसीलदारों को गोला कॉलोनियों का दौरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने गांव में छापा मारा और गोला समुदाय की 3 महिलाओं को तुरंत प्रभाव से रिहा कराया, और साथ ही उन्होंने समुदाय के बुजुर्गों को ऐसी हरकतें दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अगर पवित्रता की बात होती तो आज भी महिलाएं और लड़कियां छुट्टी लेने के लिए बहाना नहीं बनाती। सदियां गुजर गई, वक्त गुजर गया, लेकिन महिलाओं की सहज प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ सदियों से चला रहा भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ। आज भी महिलाओं को वही ताने, वही कड़वी बातें उन 3 या 4 दिनों में सुननी और सहन करनी पड़ती है। आखिर क्यों? क्यों आज भी महिलाओं को उन 3 या 4 दिनों में ये सभी बातें सुननी और सहन करनी पड़ती है? आज भी कुछ महिलाएं पीरियड्स के बारे में अपने घर पर पापा, भाई, पुरुष साथी या पुरुष सहकर्मी से उतनी ही सहजता से बात नहीं कर सकती है जितनी सहजता से सर्दी जुखाम, बुखार, कैंसर या डायबिटीज के बारे में बात करती है। हर महीने शरीर से रीसने वाला खून आज भी डर और शर्मिंदगी का कारण बनता है। आखिर क्यों? क्यों उन 3 या 4 दिनों में महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? क्यों उन 3 या 4 दिनों में महिलाओं को अपवित्र माना जाता है? पीरियड्स तो कोई बीमारी नहीं है, ये एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर महिला को गुजरना ही पड़ता है। जो चीज इतनी सहज और इतनी अनिवार्य हो, उसे लेकर आखिर इतनी शर्म क्यों और किस बात की शर्म? अगर बात करें इसके प्रोसेस के बारे में तो पीरियड्स साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये पीरियड्स के पहले दिन और अगले पीरियड के बीच का समय होता है। ये लगभग हर 28 से 30 दिनों में आता है। ये हर महिला के जीवन का हिस्सा होता है। इस दौरान उनका शरीर कई तरह के शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव से गुजरता है। इसके बाद युवती का शरीर हर महीने गर्भावस्था के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन गर्भ अवस्था ना होने पर गर्भाशय में अनफर्टिलाइज्ड अंडों और गर्भाशय के टिश्यूओं को योनि से रक्त के जरिए बाहर निकालने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को महावारी कहते हैं। मासिक धर्म में होने वाले रक्त स्त्राव में आधी मात्रा रक्त और आधे गर्भाशय के टिश्यू होते हैं। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और ऐसा हर महिला के साथ होता है। पीरियड्स के पहले दिन को मासिक धर्म प्रक्रिया का पहला दिन माना जाता है। ये लगभग 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच में रहता है। गर्भाशय की लाइनिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद अगला चरण शुरू होता है, जिसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस दौरान महिला की ओवरी से 10 से 20 फॉलिकल निकलते हैं, जिनमें एक एक अंडा होता है। इनमें से एक फॉलिकल का अंडा आगे जाकर मैच्योर होता है और स्पर्म के साथ मिलकर अगले चरण में गर्भावस्था का कारण बन जाता है। साथ ही गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की लाइनिंग मोटी होने की प्रक्रिया भी इस समय से ही शुरू हो जाती है। आमतौर पर महावारी 12 साल की उम्र तक शुरू हो जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी का मासिक धर्म इसी उम्र से शुरू हो। ये सिर्फ औसत उम्र है। ये 8 साल से 15 साल के बीच कभी भी शुरू हो सकती है। बताया जाता है कि पहले पीरियड्स की शुरुआत आमतौर पर स्तनों का विकास शुरू होने और प्यूबिक हेयर बढ़ने के 2 साल बाद होती है। हर महिला को औसतन 40 से 45 साल तक महावारी होती है। इसके बाद महिलाओं को पीरियड्स तो आते हैं, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं आते। इस प्रक्रिया को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। ऐसा 45 से 55 साल की उम्र के बीच हो सकता है और लगभग इस उम्र के बाद महिलाओं को पीरियड्स आना लगभग बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बीच फिर से एक सवाल उठता है, आखिर आज भी लोग इस महावारी के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि महिलाओं के शरीर से ये खून उस हिस्से से निकलता है जिस हिस्से के बारे में हम खुलकर बात नहीं कर सकते, या उस हिस्से के बारे में हमें बात करने से शर्म आती है, या फिर जिस हिस्से से हम बाहर निकलकर इस खूबसूरत दुनिया में आए हैं। अगर यही खून शायद हमारे शरीर के किसी दूसरे हिस्से से निकलता, जैसे कान, नाक या और किसी भी दूसरे हिस्से से, तो शायद लोगों को इस पर बात करने में शर्म नहीं आती, तो शायद लोग इस पर बात करने से नहीं कतराते, तो शायद लोग इस पर खुलकर बात कर सकते। उम्मीद करेंगे कि हमारी स्टोरी से पीरियड से जुड़े हर सवाल का जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। महावारी को लेकर लोगों के मन में जो कई तरह के वहम बने हुए हैं, वो भी हमने दूर करने की कोशिश की। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या हो जिसके बारे में आप हमसे बात करना चाहते हो, वो भी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए वुमनिया में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।